असलम डर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरस मीन्स के वायरस का क्या स्टेटस है uh, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है और इनको फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया इनको क्यों नहीं इनकलूड किया गया वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बेसिकली जो वायरसेज हैं इनको कुछ साइंटिस्ट जो है वो इनकी कुछ करैक्ट्रिस्टिक्स की बिना पर इनको लिविंग कंसीडर करते हैं और कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग बेसिकली इनकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन है और ये जो हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं ए सेलुलर पार्टिकल मीन्स इनमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ना ही इनमें सेल्स होते हैं और कोई भी इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती मीन्स ना इनमें सेल होंगे ना इनमें कोई टिश्यू होगा और ना ही कोई ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे इनकी क्रिस्टलाइन नेचर और ए सेलुलर जो नेचर है इस वजह से इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है वायरसेस कंटेन इधर आरएनए और डीएनए अब इनमें जो है जो वायरसेस हैं इनकी कुछ जो करैक्टरस्टिक्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं वो कौन सी हैं इनमें जो है या तो डीएनए प्रेजेंट होगा और या आरएनए प्रेजेंट होगा और डेफिनेटली ये जो करैक्ट्रिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है दे प्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस बट इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई भी लिविंग सेल कोई भी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलता ये नॉन लिविंग होते हैं जैसे ही इनको कोई लिविंग होस्ट सेल मिलता है ये लिविंग हो जाते हैं और जो है उसकी बॉडी में एंटर होकर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं मीन्स उसकी किसी भी जो है होस्ट है उसकी बॉडी पे अटैक करते हैं और आ, उसकी जो है मशीनरी का कंट्रोल ले लेते हैं और ख़ुद को जो है वो रेप्लिकेट करवाते हैं डीएनए को आ, या आरएनए को दैन जो है प्रोटीन कोड्स बनवाते हैं और इससे जो है अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं वायरसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज वायरसेज आर सेलुलर इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती दैट्स वाई इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया हमने प्रीवियसली डिस्कस uh, किया था फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें किंगडम मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट्स का था किंगडम और किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये जो थे ये सारे यू के किंगडम थे इनमें कहीं भी हमने वायरसेस का uh, जिक्र नहीं किया था आ, ये जो है आ, कुछ करैक्टरिस्टिक करैक्ट्रिस्टिक्स थी जो लिविंग से मिलती जुलती थी और कुछ जो करैक्ट्रिस्टिक्स हैं वायरसेस की वो नॉन लिविंग से मिलती जुलती हैं तो इसलिए साइंटिस्ट इनको बॉर्डर लाइन पर कंसिडर करते हैं कि ये जो हैं बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट हैं लिविंग और नॉन लिविंग के हमने जो लिविंग की डिस्कस की जो लिविंग है लिविंग करैक्टरिस्टिक इसकी ये हैं कि इनमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और दे कैन बी रिप्रोड्यूस और जो नॉन लिविंग की करैक्टरस्टिक्स हैं दे आर ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड जो है uh, ये जो कोई भी है मींस के ये आउटसाइड द होस्ट बॉडी जो है ये नॉन लिविंग होते हैं और इनकी नेचर जो है वो क्रिस्टलाइन है नेक्स्ट इज प्रियोन्स एंड वायराइड्स बेसिकली प्रियोन्स एंड वायराइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल्स ये भी वायरसेस की तरह ही ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट डिजीज़ेस कॉज करते हैं ये जो प्रियोन्स हैं प्रियोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कॉज डिफरेंट डिजीज एंड वायराइड्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर आर एन ए और ये भी क्या करते हैं ये भी डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं मीन्स इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं प्रियोन्स एंड वायराइड्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स यू कैन सी इन डायग्राम डिफरेंट वायरसेस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वायरसेस मीन्स एच आई वी वायरस हेपाटाइटस बी वायरस इबोला वायरस एडिनो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस रेबीज़ वायरस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज बेसिकली जो है ये अटैक करता है बैक्टीरिया पे पेपिलोमा वायरस रोटा वायरस एंड हर्ब्स वायरस ये जो है डिफरेंट वायरसेस की टाइप्स हैं और जो है ये डिफरेंट वायरसेस कैन कॉज डिफरेंट डिजीजेस। थैंक यू दैट्स ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ वायरसेस